की पोजीशन बोलने में स्टेज पे लगभग एक जैसी ही है सामाजिक व्यवस्था से। हम तो बैकडोर के सिपाही हैं, पीछे से आप हमसे कुछ भी काम करा सकते हैं, जब भी समाज की व्यवस्था चाहें आप, आगे की व्यवस्था जो भी करें, यहाँ पे कामयाबी जितनी आप ला सकें ये आप लोगों का सहयोग है कि भाई यहाँ पे ये काम कर पाए। आप जब मधु जी आई, नागपाल जी जो चेयरमैन है ना, मुझे ठीक लगा कि हाँ इनमें जो जोश है, जो अभी भी देखा मैंने स्पीच में इनकी जो है एक ऐसा वास्तविक रूप में एक सैनिक का जोश है, ठीक है, वो जोश कहीं ना कहीं आदमी में एक काबिलियत भरी देता है। मैं कहता हूँ जो आदमी सक्सेस नहीं होना चाहता वो भी सैनिक में जोश भरी देता है, तो वो स्टेज जो है ना मेरी भी रही इनको देख के, भाई यहाँ पर परिवार के लोगों ने साथ दिया, बड़े भाई ब्रजमोहन जी ने, भाई हम इस व्यवस्था को चला पाए। एक ही है कि कंटिन्यूस व्यवस्था चल जाएगी, नेक्स्ट डिस्कशन जो भी आप करेंगे उसमें उम्मीद करते हैं हम सहयोग देंगे जैसे क्षमता के दायरे में होगा हमारे। और अभी आप, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोग लंच के बाद गांव में मंदिर तक जाएंगे, जो हमारा एक पूर्वजों का स्थान है वहां पे लेके जाएंगे जहां से हम विरोध करते हैं, और मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा है जो पिछले दो दिन से और 30 तारीख तक का प्रोग्राम है। आप जितने लोग उसमें पूजा में सहयोग में शामिल हो सकें उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसा उन्होंने बताया 30 तारीख का प्रोग्राम है, अगर 30 में 29 में दोनों दिन आप आ पाएं तो वो निमंत्रण है सभी को हमारे घर परिवार की तरफ से। धन्यवाद।